आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। ये विल्ट ऑफ कॉटन का डायग्राम है, फोटो है, प्लांट में विल्टिंग हो रही है। सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम एस्टोमाइकोटा, सब फाइलम पेजी जाइगोमाइकोटिना एंड क्लास सॉडेरियोमाइसिटीज एंड सब क्लास हाइपोसिरोमाइसिटीडी एंड ऑर्डर हाइपोसिरियल्स फैमिली नेक्ट्री ए सी एंड जीनस फ्यूजेरियम स्पीसीज फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। तो ये जो डिजीज है विल्ट जनरली फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम के थ्रू होती है। तो इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। ऑरिजन, विल्ट इज वन ऑफ मेजर डिजीज ऑफ कॉटन फाउंड वेयर एवर दिस क्रॉप इज ग्रोन। तो विल्ट जनरली कॉटन की एक मेजर डिजीज है, जो सामान्य रूप से ये कॉटन में पाई जाती है डिजीज। और उन सभी एरिया में जहां भी कॉटन की क्रॉप ग्रो की जाती है तो वहां पर भी इसकी डिजीज की प्रेजेंस देखी गई है। फ्यूजेरियम विल्ट हैव बीन ओरिजिनेटेड इन मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। जनरली इस डिजीज का जो ओरिजिन है ऐसा माना जाता है कि ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ है। तो वहां से ये डिजीज सबसे पहले स्प्रेड हुई है, तो वहां पर देखी गई थी ये। इन इंडिया द डिजीज वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स। इंडिया में जनरली ज्यादातर ये डिजीज महाराष्ट्र में और तमिलनाडु, कर्नाटका और दूसरे स्टेट में देखी गई है। और इस डिजीज के जो दूसरे होस्ट हैं वो भिंडी है, टबेको है, ब्रिंजल और चिली, इन पर भी ये डिजीज होती है। पैथोजन, द फंगस इज प्रेजेंट बोथ इंटर और इंट्रा सेलुलरली इन द होस्ट टिश्यू। तो इसका पैथोजन होस्ट टिश्यू के अंदर इंटर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही पोजीशन में पाया जाता है। द माइसीलियम प्लक्स द जाइलम वेसल्स पार्शियली और कंप्लीटली। तो यहाँ पर पैथोजन जो है वो होस्ट के जाइलम वेसल्स को पूरी तरह से या पार्शियली क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है वो। द मैक्रोकोनिडिया आर 1 to 5 सेप्टिक हाइलाइन थिन वॉल्ड लीनियर टू फैलकेट टैपरिंग एंड। तो यहाँ पर एक्चुअली ये डिटोरोमाइसिटीज का मेंबर है ये जो फंगस है। तो इसमें क्या है, दो तरह के कोनिडिया पाए जाते हैं, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। और जो कोनिडिया होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, यानी उनमें सेप्टा पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे कोनिडिया कहीं नहीं देखे हैं, ये सिर्फ ड्यूटेरियोमाइसिटीज के मेंबर्स में पाया जाता है। तो इनमें जो मैक्रोकोनिडिया होते हैं ये सेप्टेट होते हैं और 1 to 5 तक इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। जो इनकी वॉल जो होती है जनरली थिन होती है और इसका जो एंड होता है थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है। ये देखिए इनके शेप बहुत वेरी करते हैं, ये एक पर्टिकुलर बता रखा है इन्होंने, ये सिकल शेप हो सकते हैं या आप एंड देखिए इनकी एंड वाली सेल जो थोड़ी सी टैपरिंग है और ये सेप्टा पाए जा रहे हैं बीच में। तो माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स, तो ये 3 टाइप के स्पोर्स इनमें पाए जाते हैं। माइक्रोकोनिडिया मतलब जिनका साइज छोटा है, मैक्रोकोनिडिया यानी साइज थोड़ा इसका बड़ा है। क्लेमाइडोस्पोर जो है ये स्मट स्पोर ही होते हैं, उसकी तरह ही थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं ये। माइक्रोकोनिडिया और हाइलाइन थिन इलिप्टिकल टू स्फेरिकल सिंगल और 2 सेल। और माइक्रोकोनिडिया जनरली क्या होते हैं कि ये सिंगल सेल हो सकते हैं या 2 सेल हो सकते हैं और इनका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। फंगस ऑल्सो प्रोड्यूसेस वायोटॉक्सिन फ्यूजारिक एसिड विच इज पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग। ऐसा माना जाता है कि जो विल्टिंग है उसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर एक एसिड है फ्यूजारिक एसिड, तो जो कि फ्यूजेरियम के द्वारा सिक्रीट होता है, और एक टॉक्सिन है वायोटॉक्सिन। तो ये 2 केमिकल सब्सटेंस है जिनकी सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर विल्टिंग कॉज होती है। तो विल्टिंग के लिए इनको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। सिम्टम्स, येलोइंग एंड ब्राउनिंग ऑफ द कॉटिलिडन्स। तो कॉटिलिडन्स जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द लीव्स लोज देयर टर्जिटी, तो लीव्स की जो टर्जिटी है वो धीरे धीरे लोस होने लगती है।
फर्स्ट टर्न येलो एंड देन ब्राउन एंड फाइनली ड्रॉप ऑफ। तो लीव्स जो है स्टार्टिंग में येलो कलर में कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाता है, वो ब्राउन हो जाती है और फाइनली वो प्लांट से क्या हो जाती है, गिर जाती है। द टैप रूट स्टंटेड एंड लैटरल्स आर लेस अबंडेंट। तो जैसा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ये फंगस है जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है, तो जाइलम वेसल्स जब ब्लॉक हो जाएंगी तो इससे क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो टेप रूट होती है, एक्चुअली टेप रूट भी स्टंट रह जाती है, उसकी हाइट कम रह जाती है और उनसे जो लैटरल रूट्स जो डेवलप होती है वो भी बहुत कम नंबर में डेवलप होती है, क्योंकि वाटर की सप्लाई प्लांट को प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ब्राउनिंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू जैसे हमने बताया कि जाइलम में जनरली ये फंगस जो है उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे वहां पे ब्राउनिंग दिखेगी आपको। वैस्कुलर टिश्यू अगर आप इसका टीएस या एलएस कट करके देखें तो पूरी लेंथ में जाइलम जो टिश्यू है ना वो ब्राउन सा दिखाई देता है हमें, और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। डिसकलरेशन ऑफ लीव्स स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्जिन्स एंड स्प्रेड टुवर्ड्स मिडरिप। तो ये जो कलर जो है धीरे धीरे जो उसका कलर का अमाउंट कम हो रहा है लीफ का, तो ये धीरे धीरे मार्जिन से कहाँ पे बढ़ता जाता है, मिडरिप रीजन की तरफ बढ़ता जाता है। तो इससे क्या है कि प्लांट और लीव्स जो होती है वो धीरे धीरे और फाइनली एंड में वो क्या पूरी तरह से विल्ट हो जाता है। तो ये देखिए मुरझा जाता है, इसको विल्टिंग का मतलब कहते हैं मुरझा जाना। तो पहले धीरे धीरे कुछ लीव्स जो है विल्ट होती हैं और फाइनली प्लांट पूरा इससे देखिए इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये विल्टेड प्लांट है। ब्राउनिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये देखिए जब हमने वैस्कुलर टिश्यू का एलिस कट किया हमने, तो ये लाइनिंग देख रहे हैं आप सेंटर में, तो ये सेंटर की जो लाइनिंग ये देखिए ब्राउन हो रही है और धीरे धीरे ये ना डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूजेरियम विल्ट सिम्टम ऑन लीव्स पर आप देख सकते हैं, ये लीफ का कलर देखिए कैसी हो रही है लीफ यहाँ पे, यहाँ फाइनली देखिए आप ये येलोइश हो रही है और ये स्टेम का टीएस बता रखा है, ये सेंटर में ब्लैक मार्क दिख रहा है आपको। तो वैस्कुलर टिश्यूज भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये लेंथ में बता रखा है पूरा ब्लैकिश जो ब्राउनिश एरिया है, तो वैस्कुलर टिश्यू जो है वो फंगस से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। ये देखिए मार्जिन्स धीरे धीरे, मार्जिन्स वाला रीजन देखिए आप, धीरे धीरे क्लोरोसिस हो रही है इसमें, फिर नेक्रोसिस हो रही है, यानी पहले क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे इनके टिश्यूज जो है वो भी डैमेज होने लग जाते हैं, तो ये नेक्रोसिस हो जाती है इनमें। फेवरेबल कंडीशन, सॉइल टेम्परेचर ऑफ 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉइल का टेम्परेचर जनरली 20-30 के बीच में होना चाहिए। हॉट एंड ड्राई पीरियड्स फॉलोड बाय रेन। तो जब इसके लिए हॉट और ड्राई जो पीरियड है वो ज्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। हैवी ब्लैक सॉइल्स विद एन एल्कलाइन रिएक्शन। तो जो सॉइल है उसका जो नेचर है वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और थोड़ा सा उसमें एल्कलाइन नेचर होना चाहिए उसका। इंक्रीज डोजेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो सोइल जो भी हम प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, उसकी डोजेस प्रॉपर होनी चाहिए। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम ग्रोज एंड डेवलप एट टेम्परेचर्स फ्रॉम 10-35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस फंगस को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 10-35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। ऑप्टिमम कंडीशंस आर टेम्परेचर 18-27 और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 18-27 के बीच में है। सोइल में ह्यूमिडिटी जो है 40-70% रिक्वायर्ड है और एसिडिटी जो है वो पीएच इसमें मेजर है 5.3, इतना उसका पीएच सोइल का होना चाहिए। मोड ऑफ स्प्रेड, अब डिजीज किस प्रकार से स्प्रेड होती है। फ्यूजेरियम विल्ट इज स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन कंटामिनेटेड सोइल। तो देखिए ये जो डिजीज है कंटामिनेटेड सोइल के द्वारा कई लंबी डिस्टेंस तक भी स्प्रेड हो सकती है, तो इसमें मेन सोर्स है कंटामिनेटेड सोइल। कंटामिनेटेड सोइल कैन बी कैरीड ऑन द रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट्स, बूट्स एंड क्लोथिंग, व्हीकल्स, मैकेनिकरी या मशीनरी एंड इक्विपमेंट।
तो देखिए एक्चुअली सोइल में ही जो इन्फेक्टेड प्लांट है या कंटामिनेटेड प्लांट है उसकी रूट्स प्रेजेंट होती है, उसकी लीव्स रह जाती है। देन हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, अगर ये सारे कंटामिनेटेड है तो डिजीज स्प्रेड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्यूजेरियम कैन ऑल्सो बी कैरियड इन कंटामिनेटेड प्लांट मटीरियल और ऑन सीड्स। तो प्लांट का यदि कंटामिनेटेड मटेरियल वहाँ पर रिमेनिंग रह गया है या कोई सीड अगर इन्फेक्टेड है तो ये डिजीज इजीली स्प्रेड हो सकती है। ये फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम की लाइफ साइकिल है। तो आप ये देख रहे हैं इसकी प्लांट की रूट है, ये रूट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिश्यूज हैं, तो यहाँ पे टिश्यूज का कलर देख रहे हैं ब्लैक कलर हो रहा है धीरे धीरे। ये इसका माइसीलियम है जो इसके इंटर सेलुलर स्पेसिस में ग्रो कर रहा है, ये धीरे धीरे टिश्यूज को ब्लॉक कर रहा है। ये देखिए होस्ट टिश्यू पूरी तरह से ये माइसीलियम से ब्लॉक हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो धीरे धीरे विल्टिंग शो कर रहा है, तो कंप्लीट ली जो प्लांट है वो विल्टेड हो जाता है इससे। और इस पर देखिए इसके माइसीलियम पे दो तरह के कोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया बनते हैं जैसे मैंने बताया था अभी। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये देखिए ये सेप्टेड होते हैं, तो सेप्टा सिर्फ इन्हीं फंगस में पाया जाता है। तो दो तरह के कोनिडिया, ये रहा माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। तो ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, नया माइसीलियम बनाते हैं। अब जैसे ही ये फंगस को कोई अपना पर्टिकुलर होस्ट मिलता है तो ये उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहां पे अटैक करके ये उसके इंटर और इंट्रा सेलुलर स्पेसिस में चला जाता है और वहां ग्रो करता है और उस प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। तो ये इसकी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है। मैनेजमेंट, ट्रीट द एसिड डिलिंटेड सीड्स विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडेजिम एट 2 ग्राम पर kg। तो देखिए ये जो केमिकल है यहाँ पर जो हम फंजीसाइड का जो स्प्रे कर रहे हैं तो इसका अमाउंट होता है, देखिए 2 ग्राम लेना है पर केजी के हिसाब से लेना है। रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। तो यदि क्रॉप पर इन्फेक्शन है तो जो भी इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उसका जो भी मलबा है कचरा है डेब्रिस यानी वहाँ पे जो भी कचरा है उससे रिलेटेड उसको कलेक्ट करके बर्न कर देना चाहिए। अप्लाई इंक्रीज डोजेज ऑफ पोटाश विद अ बैलेंस डोज ऑफ नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर जो पोटाश है उसकी डोजेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसकी इंक्रीज अमाउंट की जरूरत होती है, और साथ में नाइट्रोजन और फॉस्फेट से बने हुए जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसकी एक बैलेंस्ड डोज की भी जरूरत होती है। तो यदि ये टाइम से इन चीज़ों का अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, डोजेस यदि प्लांट को मिल जाती है तो डिजीज कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। अप्लाई हैवी डोजेस ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर एंड अदर ऑर्गेनिक मैन्योर। साथ में यदि हम चाहें तो कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर भी और कुछ खाद जो होती है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। ग्रो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज, तो हमें यहाँ पर इनकी रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करनी चाहिए, जैसे विजय प्रताप है, जयार्धर, वैरम, तो इस तरह से इनकी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज होती है रेसिस्टेंट वेराइटीज, तो उन्हें ग्रो करना चाहिए। स्पोर ड्रेंच विद कार्बेंडिजिम, तो ये कार्बेंडिजिम जो केमिकल है इसके द्वारा भी आप स्पोर्ट यदि आप वहाँ पे देख रहे हैं आपको विजिबल हो रहा है डिजीज के सिम्टम, तो आप 1 ग्राम इसका पर लीटर में आप इसका केमिकल बनाइए और उसका स्प्रे कर दीजिए, तो इससे भी इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस है, आरएस सिंह की बुक है, जो प्लांट डिजीजेस आप पढ़ना चाहें तो आरएस सिंह, आरएस मेहरोत्रा, बीपी पांडे, बीडी सिंह, बहुत सारी बुक्स हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये थी विल्ट डिजीज जो आपको पढ़ना